दुर्ग में एक टीवी दुकान के संचालक ने शराब के नशे में मोटर रिपेयरिंग करने वाले मैकेनिक पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने रॉड से मैकेनिक पर इतना वार किया कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, इसमें आरोपी मैकेनिक को पीटते हुए नजर आ रहा है। मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। गांधी चौक निवासी करण साव उम्र 23 वर्ष, पेशे से बिजली मैकेनिक है। वह इंदिरा चौक छरी रोड पर कोका रोड रामनगर स्थित राज इलेक्ट्रिकल समय मोटर रिपेयरिंग का काम करता है। उसी के बगल में सुभाष चौधरी उम्र 30 साल टीवी सेंटर के नाम से दुकान संचालित करता है। शुक्रवार सुबह 9 बजे करण दुकान आया और अपनी दुकान खोलकर साफ सफाई करने लगा। वह दुकान के बाहर झाड़ू लगा ही रहा था कि तभी वहां सुभाष चौधरी शराब के नशे में पहुंचा और करण को गंदी गंदी गाली देने लगा। इस पर करण ने उसे मना किया तो उसने अपने हाथ में लोहे का राड उठा लिया और करण की ओर दौड़ने लगा। करण ने भी उसे मारने के लिए अपने हाथ में डंडा ले लिया। देखते ही देखते सुभाष ने करण के सिर के पीछे लोहे के राड से जोरदार वार कर दिया तो वहीं ढेर होकर के जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद आसपास के लोगों ने करण को लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया है। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसके सिर के नीचे 6 टाके लगाए हैं और सीटी स्कैन कराने के लिए कहा है। करण का इलाज अस्पताल में भी जारी है। घटना के बाद जब इस मामले की शिकायत वैशाली नगर पुलिस से की गई तो पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को शाम तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। इसके बाद आरोपी सुभाष शाम को फिर से राज इलेक्ट्रिकल्स आया और उसने दुकान संचालक को धमकी दी कि अगर वह दुकान खोलेगा तो वह उसे जान से मार डालेगा। इस मामले में वैशाली नगर TI का कहना है कि वह आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। डॉक्टर रिपोर्ट में यदि चोट गंभीर पाई गई तो आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज की जाएगी। फिलहाल आरोपी को खबर बनाने तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।